आजमगढ़ मुबारकपुर क्षेत्र के ग्राम देवली आईमा में ग्रामीणों का आरोप, 3 माह से नहीं मिली बिजली। उनका आरोप है कि 3 माह से हम लोगों का ट्रांसफार्मर जला पड़ा है। हम लोग बिजली विद्युत उपकेंद्र मुबारकपुर से लेकर जनप्रतिनिधियों से संपर्क भी कर अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। पूरा गांव अंधेरे के साए में जी रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नहाने धोने की बात तो छोड़िए, पानी पीने के लिए भी नहीं है। ग्रामीणों ने आगे ये भी कहा कि अगर जल्द ट्रांसफार्मर नहीं लगाया तो वे लोग मजबूर होकर रोड जाम करेंगे, जिसका जिम्मेदार बिजली विभाग खुद होगा। चला है और क्षमा हो जा और आगे करो। क्या मामला है, कौन सा गांव है? देवली आईमा सर, ये 3 महीना से यहाँ लाइन एकदम गड़बड़ सड़बड़ है, लाइन नहीं दे रहा है। गड़बड़ सड़बड़ आ रही है कि लाइट एकदम है ही नहीं? लाइटें एकदम नहीं आ रही है। ट्रांसफार्म जला था, बीच में लाए उतार के कारण कि मतलब लोड ज्यादा है, कनेक्शन ज्यादा है। 2 दिन ट्रांसफार्म चला, उसके बाद फिर जल गया। कब आखिरी बार कब जला है? लगभग 15-20 दिन हुआ होगा, 1 महीना। 1 महीने लगा नहीं, उसके बाद औरतों सब मतलब है कि वहाँ पे जा रही है, तो आजकल लगा हुआ है। हम लोग ये प्रधान महाप्रधान थे, हम लोग बोला गया तो वो दौड़ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन प्रधान दौड़ रहे हैं? ग्राम प्रवेश प्रधान। सरकार तो कह रही है कि ट्रांसफार्मर 24 घंटे में जलने के बाद लग जाता है, तो नहीं लग रहा सर, कोई सुनवाई नहीं, जिससे कुछ मालूम हो रहा कि गाँव में नहीं आगे की कोई रणनीति बनाए हैं। और राजनीति यही है सर कि अब नहीं होगा तो हम लोग अब रोड जाम करेंगे या तो आजमगढ़ जाएंगे धरना देने के लिए। धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।